नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग अलीगढ़ जिले के अंदर खैर विधानसभा के अंदर मौजूद है और यहाँ पर तमाम महिला जो है हमारे साथ में है। हम बात करेंगे इस बार ये लोग किसको जिताने वाले हैं, यूपी का अगला मुख्यमंत्री किसको बनाने वाले हैं, किसका खैर होगा और किसका इस बार सत्ता होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं, सत्ता किसके हाथ में देंगे। कह रहे हैं कि योगी बाबा ने कमाल कर दिया, यूपी बड़े अच्छा कर दिया, महिला को सुरक्षा दिया है। भैया कहाँ सुरक्षा दे दी, जो सिलेंडर फ्री दे रहे तो 1000 रुपया गैस की सब सिलेंडर कर दी और मतलब अब अनाज दे रहे हैं तो कौन से हैं, कौन सी चीजें बताओ। आलू को रेट का है रोए, 5 साल ते आलू है, किसान जितना लगा रहे उतना उन्हें ले पा रहे। गेहूं को का रेट हो बताओ, का कर दो यूपी में, कुछ ना करो। यूपी कह रहे कमाल के कर दिया है, सिलेंडर फ्री में बांट तो रहे, बिजली का कनेक्शन भी दिया है। कौन सी बिजली का बिल, कोई माफ ना भयो, आज तक कछु ना भयो। बिजली का कनेक्शन तो दिया है, 24 घंटे करे बिजली आते है। अरे 24 घंटा जाना आ रही बिजली, कोई बिजली ना आ रही 24 घंटा का दावा कर रहे हैं, 12 घंटा बिजली ना आ रही। वो तो अपना बता रहे हैं, पूरा ताल ठोक के बता रहे हैं कि 24 घंटे बिजली आते है। यहाँ 12 घंटा ना आ रही, 24 घंटा छोड़ो, कोई बिजली ना आ रही यहाँ ठिया, न कोई चीज आती, न कोई सुविधा करी, किसी भी सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं करी। क्यों, राशन तो मिल रहे है ना, राशन मिल लो, राशन पे कह रहे हो किसान तक आए, रात का दिन टॉर्च चले के ढोल लो माटिया, पूर्ति कहाँ पर जाएगी, जो गैया ना खेतन चुंग रही है, 18 किलो गेहूं के रोके बात अगर ना जाते पूर्ति पर रही है, जो गैया खेतन नु खा रही है और ना जाते पूर्ति पर रही है, जब राशन पे पूर्ति पर जाएगी, जो किसान कर रहे हैं बालक लड़ रहे फौज पे भेज रहे माठिया, 500 मर गए जब 5 दिखा रहे हो, का कर रहा मीडिया और सब खरीद रखे, पूरा किसको खरीद रखे, मीडिया से क्यों नाराज, सबरो देश बर्बाद कर रहे जाने किसने, योगी मोदी दोनों ने कह रहे दंका बजा बजा के बता रहे कि देश को आबाद कर दे, इतना अच्छा आगे लेके गए, कछु ना कर। देखो गेहूं को रेट बढ़ो है, धान को रेट बढ़ो, आलू को रेट बढ़ो, कछु ना बढ़ो, रात दिन खेतम में लिख कमा रहे हो और जितना लगा रहे हो उतना लौट के ना आ रहे हो, का कर दो। किसानों को पैसा तो दे रहे हैं ना, कछु खाते में तो पैसा आ रहे हैं, बस 2000 रुपया तो इस बार क्या जिताएंगे नहीं, अरे यहाँ तो जयंत चौधरी। अच्छा आरएलडी को जीता, आरएलडी। ये बताओ कह रहे हैं कि महिला रात को 12 बजे के बाद गहने से लदे हुए स्कूटी लेके घूम सकते हैं, यूपी इतना सुरक्षित होकर दिए हैं। अच्छा गहनो तू ही ना है, गहने सब बिक गए तो ढोले ही कहाँ, गहनो कहाँ पे आए, जो गेहूं बिक रहे ना, क्या कह रहे हैं, गहनो हाथों का है, गहनो तो सब मोदी ने और योगी ने सब खेच लो, क्या खेच लिया, सब पैसा का क्या, तो छोड़े ना पैसा ले लिया, बचा पैसा ले लिया, इतना पैसा दे तो नहीं है, कौन पे गहने है, अरे खाते में पैसा आ रहा है, 2000 आ रहा है, 2000 में तन्ना ढके हो जा रहा हूं, देखी ढोल लत्ता उतर ना आ रहा, 2000 में का झुंझुना कर लेगा कोई, बालगन पाल लेगा कोई परिवार है, 2000 बल्ली ना में कह रहे हैं कि राशन फ्री दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, क्या के घर, क्या के घर, 10 किलो को खर्चा है, सुनो जाके घर 10 किलो को खर्चा है, 10 किलो को खर्चा है, 500 अनाज मिलो, 500 अनाज कहाँ से पूर्ति करेगा किसान, बताओ तो किसानों के लिए हित के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं ना मैडम, बताओ हम तो साथ छोरी छोरा हम तो आए और कहाँ के लाने, हम 15 किलो के मिल रहे हैं, गुंडे का है रहा, एक बात बताओ, अब हम 20 किलो को खर्चा है, 15 किलो तो है कहाँ रहा है, नन्हे बालक है कहाँ से लाएंगे, किसान मेहनत कर रहे हैं खा रहे हैं, किसानों के मत तो कर रहे हैं, गरीब भैया क्या करे हो, भैया मोदी भैया ने करे कहा है कछु ना करे, हमें चाहिए जयंत चौधरी, ऐसा का और गेहूँ बिक रहे हैं 2000 रुपया कुंटल का करे हो, किसान मट्टी मिल गई, मोदी का जी कमा रहे हैं, जब 8000 हो अब लाया कर दो 5-6000 का कर लियो भैया, गरीब भैया का कर लियो, अब मोदी भैया जमाना दिख रहा, अरे मोदी भैया खैर नहीं है क्या, कट्टा है ये कहा लगता है, 1000 रुपया कर दो और 2000 रुपया तेल कर दो, भैया मोदी भैया ने कहा तो ना तो ले रहा, हम तो ना लग पा रही है खेतन में झंझना दे रहे खेतन नो खाएगा गैया बेचारा, हाथों का है खेतन नो तो गैया बेचारा खाएगा, हाथों का है किसान पे कछु ना, तो और क्या कह रहे, क्या कह रहे थे, जब कोरे नाम 10 रुपया नो आ रहा, 20 किसान है लाने पर, हम बहुत गरीब है, हम मोदी भैया राजी ना थे, क्या इतना नाराज क्यों है मैडम, इतना कह रहे आपका आप लोगों के लिए इतना अच्छा, मैं रात में दारू पीता है, मुझे कुछ है नहीं है, बताओ क्या करें, राशन मुफ्त दे रहे हैं, आप मोदी हम बदल रहे हैं भैया, हम बदल रहे हैं मोदी, मोदी क्या कह रहे हैं, राशन तो ये ना तो मात्र ऐसा मात्र राशन तो राशन हम दे देंगे मोदी को, हमसे ना राशन ले जाए मोदी जी, तो दे रहे हैं शौचालय दे रहे हैं, हमारा कोई हमारे गांव में कोई घर नहीं आया, कोई घर नहीं आया, अच्छा एक मिनट,
करेंगे हम। आज आप आइयो, आपके पहले कबू आई, आपके पहले कहूँ नगरिया नहीं देखी ना आपने। आज मोदी पर जोर पड़ रहा था ना नगरिया में, आपने नगरिया देखी लेकिन आपके पहले एक बार चुनाई आई। बताओ क्यों आई आज आपके पहले चुनाई आई भाई, आपके पहले चुनाई आई पूछी गाँव की खैरियत पूछी आके। आज मोदी तुम भेजना ना ठीक है, वोट नहीं जरूरत है। जब आपके पहले दस साल में आज तुम आए हो नाठिया, आपने पहले कबू क्यों ना आए? अच्छा देखिए हमसे भी नाराज है, हमसे भी नाराज है आप लोग। नहीं नहीं तुमसे नाराज नहीं है, मतलब ये है आप लोग आज आए हो हमारी राजी खुशी, आपने पहले चुनाव पूछी है उतना, आपने पहले नहीं देखे हो ना जो काम गाँव नजर आए हो आज के बाद ना। पता करने आए ना, जिस तरीके से बता रहे कि बहुत काम किए हैं योगी बाबा ने महिलाओं के लिए, किसान मेरे को कोई पहुँचो माठिया, मैं आखिर में जयंत चौधरी पहुँचे, कोई पहुँचो मोदी योगी कोई पहुँचो माठिया की तरफ, सारे 700 आदमी मरे हो किसान। अभी किसान बिल वापिस आओ, कानून पहुँचो किसान वापिस बुना है रो किसान का मर। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? यूँ कह रहा हूँ किसान तो पिटा भाई, किसान तो पिटा भाई, और अब के है के कूड़े कूड़े खेत ले ले वो छोड़ नहीं है। पैसा दे रहा हूँ 10 लाख दे, तो 10 लाख दे। ऐसे ऐसे मत बोलिए प्रधानमंत्री, लॉकडाउन कहाँ है, कहाँ है कोरोना, तो कितना उकू हमें तो भाई होना है कोरोना। अम्मा मेरी बात सुनो, देखिए मुझे बिल्कुल बोल ही नहीं पा रही है, सब मुझे खेस्तान करे कोई कोई कोरोना कहाँ है बता, हमें तो कोरोना भाई होना है, हम खेरा में घूम रहा है, हमारी तहसील ना है खेरा, बताओ किसानों के जो कानून है वापिस ले लिया, माफी मांगे माफ नहीं करोगे? माफी मांग रहे बेटी, अब के 5 साल में कूड़ा कूड़ा खेत ले लेगो, नीच जाते सब बढ़ा देगो, जाकर मट्टी में मिला देगो, अब के किसान तो माफी माफी तो मांगे है ना, माफी तो बेटा हम तो पे मांग रहे, हम बाल मोदी पे मांग रहे, हम मोदी के बाल पामन पकड़ रहे, ना मोदी मान लिया मर गए टाइम को वापिस आ जाएंगे, माफी मांगे थे माफी मांगे तो वापिस आ जाएंगे। मैडम बहुत नाराज हो रहे हो, बताओ इतना बालक नहीं उमन निकल गई, भागता भागता आधा पार बालक जहर खाए खाए के मर रहे, मोदी तो आराम से सो रहे हैं ना, उनका होश है बालक को परेशान, बाटर प्रूफ पहन रहे हैं, बेरोजगारी ज्यादा है, रोजगार तो दिया है कह रहे, रोजगार 2003 से लेके 2017 तक इतना नहीं दिया जितना इन्होंने 5 साल में दिया। 5 साल में भर्ती नहीं, 5 साल में कहाँ पे है वो, तब बेरोजगारी बेरोजगारी ज्यादा है, 3 साल से तो कोई भर्ती नहीं आई, भर्ती नहीं आ रही, 3 साल हो गए कोई भर्ती नहीं निकली, क्या करते हो आप लोग? हम रेस कर रहे हैं, कहा कर रहे हैं भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ओवर एज हो गए हम, क्या करेंगे बाहर भाग के सब दिमाग को एडी ना लगाओ। सरकार इस चीजों का दावा कर रहे हैं, खुद दावा कर रहे हैं कि रोजगार बहुत दिए हैं, लेकिन ये युवा बता रहे कि रोजगार नहीं दिए हैं, बार बार कहते हैं 2014 की बात करें 2017 की बात करें तो इन्होंने साल ठोक के बता रहे थे कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे, अभी भी बोल रहे हैं कि रोजगार बहुत दिया है 2003 से लेके 2017 तक अंदर किसी ने भी इतना रोजगार नहीं दिया जो 2017 की बात अभी तक बीजेपी ने दिया, लेकिन नहीं युवा बता रहे कि रोजगार नहीं मिल रहे, तो अब क्या करेंगे आप लोग? कुछ ना आ रही है, जयंत चौधरी उसे क्या उम्मीद है, हमें रोजगार देंगे, मिलेंगे जयंत चौधरी नेता नहीं भाई है हमारा, जयंत चौधरी भाई है, जयंत चौधरी कह रहे हैं ये नेता नहीं है भाई है। एक रोजगार जरूर दिया योगी जी ने, सभी बच्चों को एक एक रोजगार जरूर दिया है, शाम को अपना टॉर्च लटकाओ बगल में, लाठी ले लो हाथ में और सांडों को रखाओ, ये उनको नौकरी दे दी, ये सबसे ज्यादा नौकरी दी है योगी जी ने। अच्छा ये नौकरी मिला, ये नौकरी क्या बोल रहे हो, 4 साल है गए स्कूल में बंद है और बालक नहीं मट्टी कुट गई जी, क्या कर रहे हो मोदी, क्या कर रहे हो स्कूल बंद कर रहा है, क्या होगो मैडम, जैसे हम सांडों को भगाते हैं ना, ऐसे ही योगी मोदी को भगाएंगे हम, के हम लट से भगाएंगे, बीजेपी नहीं 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 नल चलेगा, नल
300 पार हो जाएंगे कह रहे हैं। कौन गठबंधन? नहीं बीजेपी, बीजेपी तो 150 पे रहेगी। 150 पे रहेगी गठबंधन जाएगा पार। तो 10 तारीख मार्च को क्या करने वाले? गर्मी किसका निकलने वाले? कह रहे गर्मी उतारेंगे, बात तो बयान वाले चर्बी उतारेंगे, चर्बी बीजेपी वालों की चर्बी उतारनी है, चर्बी चढ़ गई है उनको। ये जो बयान अच्छा है क्या? गर्मी चर्बी वो आपस में कर रहे हैं ना, हम तो उनके भाती कह रहे हैं। पहले तो योगी जी मोदी जी कह रहे हैं, फिर हमारे अखिलेश जी है, हमारे चौधरी साहब जयंत जी है, वो कह रहे हैं, हम तो उनके बाद कह रहे हैं, हमने पहले से नहीं कहा। लेकिन नेताओं की जुबान अगर फिसलते हैं तो आपको पता होगा कि नेताओं की भाषा में बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना जरूरी है, क्योंकि जनता भी फिर वही कहते हैं, लेकिन नेताओं को अपनी भाषा में कंट्रोल रखना जरूरी है। यहाँ पे तो जो है जयंत चौधरी का नलका चलेगा, बाकी कोई नहीं चल रहा यहाँ पे। अच्छा नलका ही चलेगा? हाँ, योगी मोदी को भगाएंगे यहाँ से। किसका खैर नहीं है इस बार? किसी का खैर नहीं है, राष्ट्रीय लेवल चलेगी खाली यहाँ पर, जयंत चौधरी का जलवा है। कह रहे 300 पार होंगे बीजेपी तो बीजेपी की खैर नहीं है। ये जो है 300 पार की तो छोड़ो, ये जो 50 सीट भी नहीं आएंगी इनकी इस बार, गठबंधन की सरकार बनेगी। कह रहे ये जोड़ी पहले भी आए थे, जयंत चौधरी और अखिलेश का जोड़ी पहले भी आए थे। हमारे हमारे युवा भाई थे ना, युवा भाई बीजेपी ने बहका दिए थे कि हम आपको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, इतने खाते में पैसे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो रोजगार हमारे नौजवान भाई को मिला नहीं, तो नौजवान फिर उनके खिलाफ हो गया। किसान किसान परेशान है, गाय भैंस जो है फसलों का नुकसान कर रही है, डीएपी समय से नहीं मिल रही है, बिजली के बिल जो है पहले से 10 गुने ज्यादा आ रहे हैं, गैस सिलेंडर जो है पहले 300 रुपए का था वो 1000 रुपए का आ रहा है, और जो है इस समय जो है युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इससे जो है आप देख सकते हो कि जो है कितना बड़ा विरोध है बीजेपी का, बीजेपी को हराएंगे सब लोग मिलकर यहाँ पे। इस बार बीजेपी का लास्ट क्या बोल रहे हैं? सुनिए, बोल रहे 700 रुपए गई मोदी जी, 700 रुपए मरे जाओ, अब 1000 रुपए बोल रहे हमें तो मिले ना सिलेंडर, दो तो फार्म भर दो। मोदी जी कहाँ गए भैया? कह रहे शौचालय मिला है, महिला को सम्मान मिले हैं। अरे क्या हुआ, नहीं मिले पैसा मिले, शौचालय मिला है, महिला को सम्मान। मैडम मोदी जी ने दिखा दी टीवी पे के 1000 मर गए पाकिस्तानी, एक को मरे ना, सर्जिकल स्ट्राइक करायो, का करायो, अपने रे जाके मरवा देना फ्री के आ रहे, मां बड़े बड़े कर करके भेज रही है दूध पिया पिया के, मोदी को मरवा देना, भेज नहीं माखिया सारे सारी बात कर बैठो, हम जहां जहां बैठ के मां घूम रहे ना मोदी, मोदी जी तो विदेश की यात्रा पे थे, फुर्सत ना पे देश में देखवे की परी। अच्छा विदेश में तो दंगा मचा रहे ना, देश का नाम अच्छा कर रहा है देश में, अपना नाम अमेरिका के राष्ट्रपति संग बैठ के आराम से अच्छे विमान में अच्छे कपड़ा पहने घूम रहे हैं, पर देश आ देखवे जरूरत नहीं मोदी, अब घूम लेंगे कहां पे बैठ के जब पता चलेगी। तो आप लोगों को कोई सुविधा नहीं मिला? आप लोगों का हमें तो छूना मिलियो, हमें तो छूना मिलियो, और दुनिया थी 12 घंटों बिजली ना रही, 24 घंटा को ऐलान कर रहे हैं, काई कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए कितना कुछ कर दिया, यहाँ कछुना रहे हो, कुछ भी नहीं दिया यहाँ कछुना है। अच्छा ठीक है, देखिए ये तमाम लोगों की जो राय है आपने सुना है, महिला बड़ी गुस्से में थे, महिला कह रहे हैं कि इनको वो सारी सुविधा नहीं मिले, सिलेंडर का कनेक्शन देने का जिस तरीके से बातें कह रहे हैं कि फ्री में सिलेंडर बांट रहे हैं, लेकिन यही महिला कह रहे हैं कि उस सिलेंडर का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, कह रहे हैं कि घर दिया है, शौचालय दिया है, लेकिन महिला तब भी नाराज है उनसे, और इस बार कह रहे हैं कि बीजेपी का सत्ता नहीं बनने देंगे, और इस बार आरएलडी यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है उन्हीं का सत्ता बनेगा। देखने वाली बात ये है कि क्या होगा, साल आ गई कोरोना के चक्कर में घर में बैठे बैठे बालक पैसा वाले तो ऑनलाइन भेज रहे हैं और पढ़ रहे हैं, मजदूर क्या करे, क्या करे योगी मोदी तो कोरोना नेता कोरोना भयो बिना पढ़ाई आ गई, मैं बालक घर मट्टी कुट रही है, या मेहनत करे या पढ़ाई में दे क्या करे, मोदी जी का कोरोना है, उन्हें तो बहाना है, अगर अब के आ गए दोनों दिन तो देश भी अच्छी खा जाएंगे पूरे, छोड़ेंगे छूना अच्छा है, तो कोरोना रहला है, मोदी का कोरोना है वो, या आप क्या बोल रहे हो, लास्ट बार किसको जिताएंगे, जल्दी बोलिए, गठबंधन को जिताने वाली सरकार किसका बनेगा ये तो 10 मार्च के दिन ही पता चलेगा, तो इसीलिए आप भी इंतजार करिए, हम भी इंतजार करते हैं कि 10 मार्च के दिन कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी, ये बताएगी जनता, जनता की अदालत में फैसला होंगे, तब तक आप इंतजार करते रहिए, हम भी सफर में चलते हैं अलग जगह पे, दिखाएंगे आपका जनता का मुंह क्या कहते हैं, तब तक आप लोग हमेशा बने रहिए।